अभी हम ना वो रॉयल कुल्फी पे रुके हैं जी, पता नहीं इनकी कुल्फी की क्वालिटी कैसी है। निकला ये 228 है, ये 164 है, ये 257 है, ये 215 है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो। गर्मियों के साइड इफेक्ट्स हो गए हैं जी शुरू। टाइम जो है ना भाई 12:05 हो गए हैं और सुबह से ही तकरीबन 5-6 की लाइट गई हुई और अभी तक नहीं आई। ना तो आज आंधी आई है, ना तो आज कोई वो क्या कहते हैं बारिश आई है, पता नहीं क्यों बंद है लाइट। गर्मियों में हमेशा ही ऐसे करते हैं, गर्मियों में लाइट बहुत जाती है और हमने पंखे भाई निकाल लिए सारा दिन, ये अब ऐसे ऐसे करते रहेंगे और अल्लाह माफ़ करे यार, बहुत गर्मी मुश्किल होती है गुजारनी यहाँ पे। और बाहर आज इतनी गर्मी है बस ना पूछो, मैं विंडो खोल के आपको दिखाऊँ, ये देखो सड़ी पड़ी है हर चीज़ अभी से यार। आगे बहुत सख्त गर्मी आने वाली है, बस अल्लाह रहम करे मौसम अच्छा रहे और गुजारा हो जाए। देख जब ऐसे ऐसे सुनसान सुनसान थी वे हर चीज़ खामोश नज़र आएगी ना तो समझ लो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। विंडो मैंने खोल के रखी हुई थी कि चलो थोड़ी बहुत कोई हवा शवा आती है तो अंदर आती है और उसी वजह से अंदर रोशनी रही है और रूम में बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो गई हैं। जब तक लाइट नहीं आएगी, पर्दे शक्दे बंद नहीं होंगे, अंधेरा कमरे में नहीं होगा, तब तक ये मक्खियाँ नहीं निकलेंगी। खैर जी वो तो चलो चलता रहेगा, ये तो गर्मियों का है, ये मेरा रोना धोना चलता रहेगा, आप लोग सुनते रहेंगे। तो आपको पता है हम लेके आए थे जी सिटी से वो शुगर चेक करने वाली मशीन की, वो जो स्ट्रिप्स होती हैं और निडल्स, और वो भाई जो है ना एक और नया प्रैंक हो गया था। वो तो हम ले आए थे कि चेक करेंगे जी भाई की शुगर, लेकिन जब घर लाए ना तो पता चला कि जो मशीन है ना, इधर मशीन निकला, ये भाई ऑन नहीं होती, इसका ना सेल डलता है यहाँ पर, ये सेल ख़त्म हो गया हुआ है। हमारे मुताबिक तो यही है कि सेल ख़त्म है क्योंकि काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी। तो इसका जो है ना भाई सेल हमारे टाउन से तो मतलब गांव से तो मिलता नहीं है, तो जो बड़ा टाउन है ना वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से इसका सेल डलवा के लाते हैं। और आज अब जी की शुगर चेक करनी है। शुगर चेक करने वाले मतलब इशू इस तरह से बना हुआ है कि क्लिनिक तो बिल्कुल ये साथ में ही है, अगर डेली बेसिस पे चेक होती है ना शुगर तो वो तो उधर क्लिनिक से जाके चेक करवा लेते हैं, लेकिन जब मशीन घर में पड़ी हो और फिर बंदा बाहर से चेक करवा रहा हो तो वो अजीब फील होता है। तो सामान सारा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये उसकी स्ट्रिप्स हैं वो जो जिसके ऊपर वो ब्लड लगता है मेरे ख्याल में, हाँ। और फिर ये बताती हैं जी के शुगर लेवल कितना है। ये भी पड़ी हैं, निडल्स भी थी, निडल्स कहाँ हैं भाई, एक ये निडल पड़ी हुई है और भी मैं लेके आया था, हाँ 10-12 में लेके नहीं आया था, ये भी पड़ी हैं। तो बस अब ये सेल का इशू आ रहा है, तो अभी मैं नहा धो के चलता हूँ जी टाउन हो, वहाँ से लाते हैं जी इसकी सेल डलवा के चेक करते हैं, होप सो ये चल जाए, तो फिर आज अब जी की जो है ना शुगर चेक करेंगे क्योंकि डेली बेसिस पे चेक होती है, डेली बेसिस पे क्लिनिक पे जाना पड़ता है। क्लिनिक पे वो कितने पैसे लेते हैं, 100 रुपये डेली बेसिस पे, डेली का वो 100 रुपया ले लेते हैं और कोई मतलब इस पर वो इतना एक्सट्रीम किस्म का खर्चा नहीं होता। तो आज फिर इसका सेल वगैरह डलवा के ना आज से खुद ही घर में चेक किया करेंगे हम भी। फिर वो थोड़ी सी गफलत कर जाते हैं कि क्लिनिक पास में ही है तो इधर से ही चेक करवा ली करें, क्या इसका रोज़ाना हम खुद चेक करें। और हमें वो एक पाकिस्तानी सा माइंड है, हमें ये भी लगा रहता है कि पता नहीं ये वाली मशीन सही रिजल्ट्स भी बताती है या नहीं, तो क्लिनिक से चेक होता ना तो वो रिजल्ट्स अच्छा बताते होंगे, लेकिन हम बता रही हैं कि उनके पास भी इसी तरह की मशीन पड़ी है, वो भी डेली बेसिस पे इसी तरह की चेक करते हैं। मैं उतरे जनाब रालते गई ना ते शुगर चेक करा, इस तरह मशीन है, मैं कहीं से ना ले साले कोई मशीन, तो फिर ये हमारे पास भी है, तो भाई हम फिर अपनी ही ठीक करवाते हैं और इसी से आज शुगर लेवल चेक करेंगे कि आज अबाजी का कितना है। पिछले 1-2 दिन में जो है ना थोड़ा सा शुगर लेवल इंक्रीज हुआ था क्योंकि अबाजी ना परहेज बहुत कम करते हैं, एहतियात नहीं करते, तो जिस दिन एहतियात करते उस दिन नॉर्मल हो जाती है। तो आज देखते हैं कि आज अब का शुगर लेवल कितना है, लेकिन सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर इसका सेल डलवा के आता हूँ। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ भाई और अभी कुछ सुकून मिला है, जैसे ना बस कुछ दुनिया जहान में आया हूँ, नहीं तो पहले तो गर्मी ने पसीने ने ना इरीटेट किया हुआ था जी। और ये राज हमारा गर्मियों का साथी, यही चलेगा बेचारा हमारे साथ, यही हमें गर्मी से बचाएगा। और अभी जो है ना भाई आई ड्रॉप्स मैंने डालने हैं जी आँखों में, आपको पता है डॉक्टर को चेकअप करवा के आया था, तो ये भी इस्तेमाल करने होते हैं, 4 टाइम दिन में करने होते हैं भाई, लेकिन भाई 4 टाइम तो मैं नहीं करता, 2 टाइम मैं कर लेता होता हूँ, दोनों में से ना एक एक ड्रॉप यूज़ करता हूँ। बीस्ट भाई मैंने अपना निकाल लिया, माशाल्लाह भाई वाह 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 वाह, लेमिनेशन अब ठीक हो चुकी है जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बबल्स बबल्स थे वो सारे उन्होंने ख़त्म करके ठीक करके दिया था, अल्लाह करे बस अब ये मसला ना करे। तो अभी चलते हैं जी टाउन
और वो जो है ना डिवाइस का सेल डलवा के आते हैं, होप सो मिल जाए, ये मसला यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो विद वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। इंशाल्लाह भाई बहुत जल्दी जो है ना बाइक टूर करना है, और बाइक टूर बहुत लंबा होना है और बहुत बहुत एडवेंचर होना है, बहुत इन्जॉयमेंट होनी है। उसके लिए थोड़ा सा खर्चा मुझे करना पड़ेगा, एक अच्छा हेलमेट लेना पड़ेगा और गोप्रो और साथ में गोप्रो का माइक। वो थोड़ा सा मतलब बजट नहीं बन रहा अभी, तो इंशाल्लाह जब बजट बन जाएगा ना तो वो सामान खरीद के फिर हम टूर करेंगे, फिर जो बाइक के शशकी होंगे और जो वादियाँ देखने को मिलेंगी और जो झीलें और पता नहीं क्या क्या मज़ा आएगा, आप भी इंजॉय करेंगे। तो फिलहाल टाउन चलते हैं, ये ख्वाब बाद में पूरे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी भाई, तो फाइनली जो है ना डिवाइस में सेल डलवा गया, और वही भाई सेल वाला ही इशू था, ये देखो चल जाओ। हाँ, मिल गया। हाँ ये चल गई है। अच्छा चल गई है भाई, चल गई है। अब मुझे ना ये नहीं पता कि ये इसके कोई सेटिंग्स करने वाली हैं या नहीं, ऊपर से बिजली वालों को कोई मर गया, बिल्कुल ही गायब हो गए हैं वो, तो गर्मियाँ आई। हाँ तो ये भाई इधर क्लिनिक पे ले जाता हूँ, इसके अगर कोई सेटिंग्स करनी है ना, एरर वगैरह ना हो, मैं कहीं 500 बता रही हूँ, हम टेंशन में खड़े हूँ, तो इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं यूट्यूब पे देख लेता, लेकिन लाइट गई हुई, नेट है नहीं तो वो मैं देख नहीं सकता, तो इधर क्लिनिक से जाकर उनको दिखा देता हूँ कि इसके कोई एरर वगैरह कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है तो कर दें, क्योंकि ना जब मैंने ऑन की थी ना तो इसमें एरर आ रहा था। आई थिंक सो ये खुद ही कैलिब्रेट कर लेती है, मतलब खुद ही खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन फिर भी एक बार ना चेक करवा देते हैं, फिर जो है ना भैया भाजी की शुगर चेक करते हैं। क्लिनिक पर दिखा रहे हैं वो डिवाइस, और वो कह रहे हैं कि ना स्ट्रिप्स का कोड होता है कोई, वो उनके साथ मैच करना होता है। मुझे अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आई, गूगल नेट चल रहा होता तो घर पे ही देख लेता, लेकिन अभी ना स्ट्रिप्स लेके जा रहा हूँ ताकि वेरीफाई कर लें कोई इशू ना हो। चेक करवाए हो क्लिनिक पे? अच्छा। उनको भी भाई कोई नहीं पता, वो भी लकीर के फकीर हैं। हाँ, उन्होंने भी कहा बस कोड होता है, कोड का तो मैंने पहले भी सुना हुआ था। अच्छा। अब उनको ये नहीं पता कि इसको कोई एरर करना होता है खत्म या नहीं, कहता है बस, तो बस फिर कोई नहीं, नेट आ जाता है ना यूट्यूब पे देख लेंगे, यूट्यूब किस लिए है। मेरे ख्याल में ठीक थी स्ट्रिप, मैंने लगा के देखी है ना, तो वो कह रहा था कि ब्लड डालें तो मतलब वो रिजल्ट्स दे देगी। अच्छा। एक चेक करेंगे ना। हाँ। अगर रिजल्ट ठीक है तो पता चल जाएगा। हाँ। भाई जब से मतलब गर्म मौसम स्टार्ट हुआ है ना, आज पहला दिन मुझे गर्मी फील हुई है शदीद वाली, मतलब जैसे बाइक पे गर्मियों में फील होता है ना जून जुलाई में कि बाइक चलाओ और बंदा लू से झुलस जाता है, सेम आज वो वाली गर्मी है। और इन गर्मियों में ना इन पंखों की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, ये बहुत साथ देते हैं, इनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं और मतलब ना बचाए रखते हैं, रात को अगर लाइट चली जाती है तो चलो मुंह पे हवा लगती रहना तो फिर भी बंदा रिलैक्स फील करता है, दिन के टाइम में सुबह से तकरीबन पाँच बजे की लाइट गई हुई है और अभी तक भाई यही साथ दे रहा है, बस लगाओ और आह मुंह को ठंडी ठंडी हवा लगती रहे तो फिर गर्मी की शिद्दत एहसास जो है ना थोड़ा कम हो जाता है, तो इनके भाई सल्यूट है। टाइम जो है ना भाई 2:24 हो गए हैं, और ये कोई मसाला बचा पड़ा था समोसे का तो अम्मा ने बना दिया भाई समोसा, बस अभी वो खा रहा हूँ। मसाला बड़ा ही को मज़े का है भाई, दिल खुश हो गया खा के, स्पाइसी स्पाइसी। तो अभी जो है ना हम अब्बा जी की शुगर चेक करने लगे हैं जी, बहुत अरसा हो गया है हमें भाई मशीन यूज़ किए हुए, तो थोड़ा थोड़ा ना वो भूला भूला सा फील है हो रहा है, लेकिन बस एक बार खुल जा भाई, अच्छा ये नहीं खुलना, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम भाई चेक कर लेंगे। ये पिछली बार की कुछ निडल्स बची हुई पड़ी हैं, पहले तो ये यूज़ कर लेते हैं, फिर जो मैं लेके आया था ना वो वाला इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे पहले वह इसकी ये ढकना उतारते हैं, ये बिल्कुल ये एक सुई चुभ होते हैं और वो खून का कतरा निकल आता है और वो जो है ना फिर समझ लें ऐसे लगा के और ऊपर से लगा देते होते हैं ऐसे, ये चीज़ बंद हो गई, और ये समझ लें एक किस्म का ऐसे हथौड़ा बंद हो, ये खींच के ना इसको प्रेशर बन जाता है, कौन सी उंगली में लगाना है, ये अंगूठा करें यहाँ जी, इस तरह से दबा के थोड़ा सा ना मतलब वो टच हो जाए, और बल्कि पहले दूसरा सामान निकाल लेना, फौरन चेक करेंगे ज़्यादा खून ना निकल जाए। इधर से भाई ये स्ट्रिप्स होती हैं, बड़े दिनों बाद चेक करें, लग रहे ठीक चेक हो, इसको सबसे पहले कर लेना है जी ना, मशीन हमने कर ली है ऑन, और इधर से एक निकालते हैं जी स्ट्रिप, ये बाद में लगाएंगे, बल्कि इसकी एक कर लेंगे बंद कर लो। हाँ, कुछ इस तरह की ये स्ट्रिप्स होती हैं, और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने ऐसे इसको ये चीज़ वो अब कह रहा है कि ब्लड लगाओ,
तो आप जल्दी जल्दी जो है ना इधर निकला है। ये इस तरह से जब ब्लड निकल आएगा ना, और ये हमने इसके करीब करनी, ये ले उसने ब्लड ले लिया, टाइम मांग रही है अब। ओहो वाह भाई वाह, आ गया रिजल्ट 296। अच्छा पहले कितनी थी? 300, मतलब वही 300 के आसपास में ही है। तो अब देख लें सही आ रहा रिजल्ट। हाँ, सही 296 भाई अभी आई है, और इसमें कुछ पहले हिस्ट्री भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये 228 है, ये 164 है, ये 257 है, ये 215 है, ये 218 है, 117 है, 132 है, 155 है, 151, 56, 124, 46, 19, 141, 122, मतलब बहुत हमने चेक की हुई थी इसमें पहले 150, 160, 70 के आसपास थी, एक दो बार 200 से ऊपर गई है, और इस बार जो है ना कहाँ गई, जो आज चेक की हमने अच्छा, हाँ नहीं ये नहीं है, ये आज चेक किया ये भाई, और ये आई है जी 296। हाँ, वही है 300 के आसपास में ही है। हाँ, मैं तो एहतियात करना थोड़ी सी और है, थोड़ी सी एहतियात और हो जानी, ये आ जानी है 200 से नीचे आ जानी है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नहीं है लोगों की। भाई मैंने देखा है 600 पे चली जाती है ना, इस तरह से लोगों की जाती है अब जी की, तो बहुत मतलब माइनर वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं तो ये ठीक हो जाएगी। तो चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक करना सीख लिया, अब जब भी इशू हुआ हम खुद चेक कर लिया करेंगे। वो थोड़ा सा ना भूला हुआ था, काफ़ी अर्सा पहले हमने चेक की थी इससे, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हमने चेक कर लिया, मतलब वो नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट इसने वैल्यू नहीं दी कि हम शक करें इस पर, उतनी ही दी है जितनी एक डेली बेसिस पे चेक होकर रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके बाद जो है ना चेकअप के बाद जो है ना एक और काम करना है कि ये जो निडल होती हैं ना ये इस्तेमाल हो जाती हैं, इनको कर लेना है जी चेंज, नेक्स्ट टाइम ये इस्तेमाल नहीं करनी, तो इसको वेस्ट कर देना है और अभी इसका ढकना लगा के रख देना, मतलब जब भी इस्तेमाल करनी है न्यू निडल्स इस्तेमाल करनी है, स्ट्रिप तो नहीं यूज़ होनी ही होनी है, निडल भी आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। तो इसको करते हैं जी बंद। तो धूप पे क्यों खेल रहे, तो धूप नहीं लग रही है, धूप नहीं लग रही, लग रही है नहीं लग रही, जा वहाँ छाँव पे खेल, वो जा वहाँ छाँव पे खेल, वहाँ पे इतनी शदीद धूप है और ये धूप में बैठ के क्रेन चला रहा है बड़ा, तो मिस्त्री। बिजली आ गई, टाइम भाई हो गया है 3:13, सुबह गई थी 5:45 की गई हुई है, अभी भाई अंदर गया हूँ तो लाइट आई है, मैं कहता हूँ इतनी खुशी इतनी किसी और चीज की खुशी नहीं होती इतनी हमें बिजली की अब खुशी होती है आने की। सही बात भाई, मुनावर से कहना सोलर का एक पंखा इस कमरे में भी मतलब कनेक्शन करवा दें, हाँ ताकि एक पंखा तो चलता रहे ना, अब ये चल सकता था इस टाइम, हाँ इतनी गर्मी है, चलो कोई तो होना चाहिए ना। अच्छा भाई जो ये भाई लियाकत वाला घर है ना, इसमें भी सोलर का कोई कनेक्शन नहीं है, सारा कनेक्शन जो है ना भाई मुनावर वाली घर वाली साइड पे ही है, तो बिजली चले जाती है ना तो इस तरफ बैठना समझ लो मुश्किल हो जाता है, तो एक आध पंखे का कनेक्शन लग जाए ना तो डे टाइम जो है ना चलो जब लाइट वगैरह जाती है तो बंदा पंखा चला सकता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली आ गई है। बड़ा इंतज़ार करवाया भाई इसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठंड पै गई माशाल्लाह माशाल्लाह। 7:30 हो रहे हैं भाई, और अभी जो है ना हम पहुंचे हुए हैं जी सिटी अपने अब्बा जी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके आए थे जी, वही शुगर जो है ना वो 350 थी, मतलब 296 थी इतनी, तो हमने सोचा भाई चेकअप भी करवा लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं क्योंकि मज़ीद इसका क्या लाया अमल किया जाए, तो डॉक्टर साहब ने भाई कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं दोबारा से, और एक और हमने चेंज की है वो ये है कि पहले अब्बा जी जो है ना शुगर के लिए मेडिसिन खाते थे, मतलब गोली खाते थे टैबलेट, अब जो है ना इंसुलिन लगवा रहे हैं इंजेक्शन, सब ने यही सजेस्ट किया कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और वो जल्दी मतलब असर भी करते हैं, और उस मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा नॉर्मल रहती है, सब ने यही सजेस्ट किया, डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया, तो फिर हमने जो है ना भाई इंजेक्शन लगवा लिया, मतलब इंजेक्शन ले रहे हैं इंसुलिन वाला शुगर के लिए, तो अब जो है ना वो इस्तेमाल किया करेंगे टैबलेट की जगह पर, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आते हैं। अब भाजी में बड़ी पाबंदियाँ लग गई हैं, अब भाजी बहुत तंग है हमसे ये मुझे कुछ खाने नहीं देते लेकिन ये मीठे का जो है ना शुगर ऐसी चीज़ है, बस परहेज से और एक्सरसाइज से दो चीज़ों से ये कंट्रोल होता है, अगर आप ये नहीं ना करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बेशक कुछ मेडिसिन ले लो, बेशक कुछ इंसुलिन लगा लो, बेशक कुछ
कर लो, ये चीजों का परहेज करना ही पड़ता है। अच्छा भाई, अभी हम ना वो रॉयल कुल्फी पे रुके हैं जी, पता नहीं इनकी कुल्फी की क्वालिटी कैसी है। खैर जी, ऑर्डर करती हैं, आ जाती हैं और फिर ट्राई करते हैं भाई। कुल्फी हमारी आ गई हैं जी, और कुल्फी हमने ली हैं जी छोटे वाले, इनके पास दूध वगैरह भी होता है, लेकिन हमने कुल्फी ही ली है। सुना क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, बेहतर है। हाँ, बेहतर। हाँ, मज़े का ही है यार। खोए वाली कुल्फी है, खोए वाली। लगे आप जो है ना गोल गप्पे भी हमने सोचा है खा के जाएँ, तो मैं तो जा रहा था सदाकर ने कहा खा लेते हैं, मेरे मोटे नु दर्द ना, मैं चलो खा लो, एनर्जी आ जाए। भाई टेस्ट जो है ना आपको गलीज काम में मिलेगा, साफ सुथरे काम में टेस्ट नहीं होता। तो गोलगप्पे टेस्टी खाने हैं तो थोड़ा सा ना आपको गलाजत जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये भाई अम्मा जी और अब्बा जी के लिए गोलगप्पे हैं, ट्राई कर लें, ज्यादा नहीं खाने। दबाई हैं तो इनके गोल गप्पे पे बड़े साइज के होते हैं तो मुंह बड़ा सारा खोलना पड़ता है। गोल गप्पे भी खा लिए, कुल्फी भी खा ली, और अभी जो है ना भाई अब्बा जी के लिए शुगर फ्री को बिस्किट लेने गया है, पत्नी केक रस्क जो है ना सागर वो ले आता है, और फिर हम भाई घर के लिए निकलते हैं। मजा आ गया, मैं आ गया तुम ना गोल गप्पे खाकर। आपको कैसे लगे भाई? बड़ा मजा आया। मैं आज तक कभी ना खा ले। अच्छा आज खा ले। अम्मा ने भी और अब्बा जी ने गोल गप्पे भी खा लिए। तो अब सामान सामून सारा हमने ले लिया, अब चलते हैं वापस घर को भाई। सुबह हो गई है दूसरी, और फिलहाल वीडियो को करते हैं जी खत्म। आई होप सो आज की सारी रूटीन वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, मैसेज, टेल द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।